ये दी और एक और चीज दी थी, अब सब पीछे पड़ जाएंगे अगर मैं दिखाऊंगी। उन्होंने उन्होंने मुझे ये भी प्रिस्क्राइब किया था। ओ माय गॉड, आउटस्टैंडिंग रिजल्ट है। बाद में, अभी नहीं। स्किन एक्वा का मॉइस्चराइजर और स्किन एक्वा का सनस्क्रीन, ये मेरे बेस्ट थे, लेकिन अभी सनस्क्रीन की लिस्ट में मेरा ये भी ऐड हो गया कि मुझे बहुत पसंद आया ये। हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ मधिया और मेरे चैनल का नाम है स्टे विद मधिया। तो आज मैं हाजिर हूँ एक और नई वीडियो के साथ, और आज की जो वीडियो है वो होने वाली है सनस्क्रीन का रिव्यू। बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी अपनी सनस्क्रीन जो मैंने शो की थी आप लोगों के साथ, प्लीज़ उसका रिव्यू कर दीजिए। तो वो सनस्क्रीन है ये वाली, ये मुझे भी डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब की है। इसका नाम है हेलियोडर्म SC सीबम कंट्रोल सनस्क्रीन ब्रॉड स्पेक्ट्रम SPF 40 PA++++। मैं हमेशा से कहती हूँ जब आप अपनी सनस्क्रीन देखते हो, चूज़ करते हो, उसके अंदर PA और 3+ होने चाहिए, ठीक है। अब जैसा कि मेरे साथ अभी प्रॉब्लम हो गई थी, आप लोगों ने देखा था कि मैंने स्टेरॉइड क्रीम यूज़ की थी जानबूझकर, दिखाने के लिए कि देख लीजिए स्टेरॉइड क्रीम यूज़ करने से क्या होता है। तो मेरे फेस पर एक्ने निकल आए थे बहुत बुरी तरीके से, तो उनका मुझे इलाज करना था। उसके अलावा डार्क स्पॉट जो है वो बहुत का देर में जाते हैं, ठीक है। तो खैर, मैंने डॉक्टर के मुझे किसी और वजह से भी विज़िट करना था, तो मैंने डॉक्टर को अपनी स्किन भी दिखाई, तो उन्होंने फिर मुझे कहा कि सनस्क्रीन कौन सा यूज़ कर रही हो, सारा कुछ उन्होंने मुझसे पूछा जो कुछ भी था। तो उन्होंने फिर मुझे सनस्क्रीन ये वाला प्रिस्क्राइब किया। और क्यों किया, क्योंकि ये आपको फेयरनेस देता है, आपको ग्लो प्रोवाइड करता है, आपके कलर को फेयर करता है, साथ ही साथ सीबम को कंट्रोल करता है, मतलब एक्नी नहीं होने देता है, डार्क स्पॉट्स को भी रिड्यूस करता है, मतलब एक ऐसा सन ब्लॉक जो इन सब चीज़ों पे वर्क करता है, तो फिर और क्या चाहिए। उसके अलावा सन से आपको प्रोटेक्ट करता है, हीट से प्रोटेक्ट करता है, रेडनेस नहीं होने देता है, बहुत सारे बेनिफिट हैं इसके। तो सबसे पहले हम पैकेजिंग देख लेते हैं, और सबसे बड़ी बात के डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया है। तो अभी जब मैं किसी और काउंसिल के पास गई थी, तो उन्होंने मुझे प्रिस्क्राइब किया और ये कहा कि चूल्हे के पास जब जाओ तो लाजमी अप्लाई करना, दिन में तो करते ही हैं लेकिन जब चूल्हे के पास जाओ तो एक्स्ट्रा लेयर ऊपर से अप्लाई कर लेना। वैसे सनस्क्रीन हमें हर 2 घंटे बाद अप्लाई करनी होती है, लेकिन उनका कहना ये था कि जब भी चूल्हे के पास जाओ तो फिर और अप्लाई कर लेना ऊपर से लेयर, ठीक है। तो पैकेजिंग आप देख सकते हो, काफ़ी अच्छी ब्यूटीफुल सी पैकेजिंग है, ऑरेंज गोल्डन वाइट, यहाँ सब कुछ लिखा है ऑयल फ्री सीबम कंट्रोल सनस्क्रीन ब्रॉड स्पेक्ट्रम। ये तो चीज़ें देखा करें, ब्रॉड स्पेक्ट्रम है, PA++ है आपकी सनस्क्रीन, तो वो बेस्ट है। ऑयल फ्री है मतलब कि ये ऑयली स्किन वाले यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा ऑयल फ्री है ये, ठीक है। उसके अलावा इसमें लाइट वेट है, ये मैट एंड सिल्की फील है, बिल्कुल मैट लगती है, लेकिन आपकी स्किन जो है ना वेल्वेटी फील करती है, ऐसा लगता है से आप मखमल के कपड़े के ऊपर जब हाथ फेरते हो तो कितना एक सॉफ्टनेस सी आपको फील होती है, शरीर पर अगर आप हाथ फेरते हो, वेल्वेट पे हाथ फेरते हो तो कितनी एक सिल्कनेस सी फील होती है। तो बिल्कुल ऐसा टेक्सचर हो जाता है आपकी स्किन का इसको लगाने के बाद, बिल्कुल ठीक लिखा है इसके ऊपर, मैट एंड सिल्क फील। पैराबिन फ्री है, वॉन्ट ब्लॉक पोर्स, मतलब कि जो आपके पोर्स हैं उनको ब्लॉक नहीं करेगा, नॉन ग्रीजी, ग्रीजी नहीं है, चिप चिप होती है, सनस्क्रीन लगा के आपकी वाइट कास्ट आ जाती है, उन सबसे पाक है ये। उसके अलावा वाटर रेजिस्टेंस है, ठीक है, मतलब क्या क्या नहीं है ये, इतनी बेहतरीन है ये। और मैं तो सच्ची बात बताऊँ, मैं अपनी यूज़ कर रही हूँ, मैं किसी और काम से गई थी डॉक्टर के पास, लेकिन जाहिर है वो मेरे डर्मेट है, काफ़ी अच्छे से मैं काफ़ी टाइम से सालों से उनके पास जाती हूँ, काफ़ी सारी नॉलेज भी मैंने उनसे गेन किया है। तो वो मेरा चेहरा देख के कहने लगे क्या किया चेहरे पर, तो मैंने उन्हें बताया, तो वो हंसने लगे और कहने लगे प्लीज़ अपने ऊपर इस तरह के कोई एक्सपेरिमेंट मत करो, जिन्हें यकीन करना है तुम्हारा वो करेंगे, जिन्हें यकीन नहीं करना है कुछ भी कर लो वो तुम्हारा यकीन नहीं करेंगे। किसी को यकीन दिलाने के लिए अपना फेस ख़राब मत करो, क्योंकि जाहिर है उन्होंने मेरा इलाज किया है तो उन्हें पता है कि कितनी प्रॉब्लम्स होती है और कितना ये खर्च होता है। तो वो मुझे ये कहते हैं कि अपने पर एक्सपेरिमेंट मत करो, अभी ये कर लिया नेक्स्ट टाइम मत करना। और फिर मुझे यही कहते हैं कि आधे से ज़्यादा डॉक्टर तो तुम खुद बन चुकी हो और इसीलिए तुमने अपना इलाज भी कर लिया। तो मैं हंसने लगी और मैंने कहा जी डॉक्टर साहब अब आप देख सकते हैं मेरे एक्ने नहीं है, जो भी डैमेज हुई थी मेरी स्किन स्टेरॉइड की वजह से आप देख सकते हैं। तो उन्होंने जो भी उनके इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह जो होते हैं उन्होंने उससे मुझे चेक किया, तो उन्होंने कहा काफ़ी बेटर है। तो उन्होंने कहा कि हाँ ठीक है, एक्नी तो नहीं हो रहे हैं, लेकिन जो डार्क स्पॉट्स हैं उनके लिए उन्होंने मुझे ये दी और एक और चीज़ दी थी, अब सब पीछे पड़ जाएंगे अगर मैं दिखाऊंगी। उन्होंने मुझे ये भी प्रिस्क्राइब किया था। ओ माय गॉड, आउटस्टैंडिंग रिजल्ट है।
बाद में, अभी नहीं, अभी नहीं। वाइटनिंग, भरपूर वाइटनिंग मिलने वाली है इस सीरम से आप लोगों को। खैर वो उन्होंने मुझे इसीलिए दिया था कि डार्क स्पॉट्स, मुझे कह रहे थे कि तुम्हारा कलर इतना ज़्यादा फेयर हो गया है माशाल्लाह से, तो डार्क स्पॉट्स अलग से प्रोमिनेंट हो रहे हैं, नज़र आ रहे हैं, तो वो अच्छे नहीं लग रहे। तो जबकि मैं किसी और काम से गई थी, तो उन्होंने खुद से मुझे प्रिस्क्राइब किया, तो मैं नहीं ले रही थी। मैंने कहा छोड़ो हो जाएगा, तो मेरे हस्बैंड ने कहा नहीं तुम ले लो, जब प्रिस्क्राइब करें तो कोई अच्छी चीज़ें प्रिस्क्राइब की होगी। तो इसलिए फिर मैंने दोनों चीज़ें वहाँ से परचेज़ की थी। अभी हम बात कर रहे हैं इसकी, मैं बातें बहुत करने लग जाती हूँ, कहीं से और कहीं निकल जाती हूँ। अच्छा जी, तो ये 30 ग्राम की पैकेजिंग है। ओरल 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 सही मैं प्रोनाउंस कर रही हूँ, स्पेलिंग यहाँ लिख दूंगी, ओरल डर्मा ब्रांड की है ये, ठीक है। अच्छा जी, कराची पाकिस्तान की है ये। अच्छा यहाँ पे लिखा हुआ है इन्होंने कि पैराबिन फ्री सब कुछ, वही जो है 2025 की इसकी एक्सपायरी है। इंग्रेडिएंट्स यहाँ पर लिखे हुए हैं इन्होंने, जिंक ऑक्साइड है इसमें, और जो इसके अंदर इंग्रेडिएंट्स भी यहाँ मेंशन है, मैं ज़्यादा बात को नहीं खींचूंगी। इंग्रेडिएंट्स वही है जो आपको ब्राइटनिंग वाइटनिंग जो कुछ मैंने बताया वो सब प्रोवाइड करेंगे। इस तरह से इसकी पैकेजिंग है, मैं यहीं से खींच लेती हूँ उसको, क्योंकि मैं यूज़ कर रही हूँ, काफ़ी सारी मैंने यूज़ कर लिया है। तो ये आप देख सकते हैं, ये इस तरह से इसकी पैकेजिंग है, ठीक। अच्छा जी, खुशबू इसकी फेयर एंड लवली की तरह से है। आप लगाओगे तो ऐसा लगेगा कि फेयर एंड लवली ही आप लगा रहे हो। टेक्सचर में अगर आपको दिखाऊं इसका, टेक्सचर में इसका आपको दिखाती हूँ, ये इस तरह से है वाइट कलर की, तो मैं यही लगा के दिखा देती हूँ आपको फेस पे। ये आप देख सकते हो वाइट वाइट कलर की है ये, और मज़े से जो है स्किन में एब्जॉर्ब हो जाती है, नॉन ग्रीजी है, और आप ग्लो देखो, सिर्फ मैंने यहाँ अप्लाई किया है, ग्लो देख सकते हो, इतना प्यारा ग्लो देती है ये फेस पे, मैं बता नहीं सकती आपको। वाइटनिंग ब्राइटनिंग आपको मिलेगी, फेयरनेस मिलेगी इससे, आपको ग्लो देगी, आपके डार्क स्पॉट्स हैं उन सबको ये ख़त्म करेगी, और बाकी बहुत ज़्यादा मुझे फ़र्क पड़ा इसको यूज़ करने के बाद, और ग्लो तो आप देख ही सकते हो, काफ़ी इसमें कलर में भी इम्प्रूवमेंट नज़र आ रही है, स्किन बहुत ज़्यादा ब्राइटन अप लग रही है, ग्लो बहुत अच्छा इससे आ रहा है, डार्क स्पॉट्स मेरे बिल्कुल ही ख़त्म हो गए, बहुत थोड़े से रह गए। तो मतलब ये एक बहुत बेहतरीन सनस्क्रीन है, एक्नी प्रोन स्किन वाले, ऑयली स्किन वाले इसको यूज़ कर सकते हैं, ड्राई स्किन वाले भी यूज़ कर सकते हैं इसको, मॉइस्चराइज़र अप्लाई करें उसके बाद इसको अप्लाई करें, क्योंकि ये बिल्कुल ड्राई आउट नहीं करती है, सिल्की सिल्की सी रहती है, हाइड्रेट रहती है आपकी स्किन, ठीक है। तो वो यूज़ कर सकते हैं, बाकी मर्जी है उनकी, ना चाहें तो ना यूज़ करें। अब बात कर लेते हैं, क्वान्टिटी भी काफ़ी अच्छी है, 30 ग्राम की है। फ्रेगरेंस मैंने बता दी, फेयर एंड लवली की तरह से मेडिकेटेड है, मेडिकल स्टोर पर ही मिलेगी, उसके अलावा कहीं नहीं मिलेगी, और मेडिकल स्टोर किसी अच्छे मेडिकल स्टोर पे मिलेगी आपको, या जहाँ पे डर्मेट्स बैठते हैं उनके मेडिकल स्टोर्स पे आपको इजीली मिल जाएगी, क्योंकि वहाँ इस तरह की चीज़ें होती हैं, डर्मेट जो प्रिस्क्राइब कर रहे होते हैं वो चीज़ें होती हैं वहाँ अवेलेबल, तो वहाँ से आपको मिल जाएगी। अब बात कर लेते हैं प्राइस की, तो प्राइस जो है इसके वो हैं 1,080 रुपये, 1,080 रुपये इसके प्राइस हैं, लेकिन ये एक ऑल इन वन है, वाइटनिंग ब्राइटनिंग ग्लो डार्क स्पॉट्स को ख़त्म करने के लिए, 40 SPF 40 भी है, सन से बचाने के लिए, मतलब बेस्ट है, देख सकते हैं आप, ठीक है। तो ये मुझे डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब करी, मुझे बड़ी पसंद आई, तो अब ये ही मेरी फेवरेट होने वाली है, बाकी सारी छोड़ के अब मैं सिर्फ इसी पर ही आ गई हूँ। और ये कुछ प्रोडक्ट्स आपके ऐसे होते हैं जिन पर आप स्टक हो जाते हैं, जैसे कि मेरे हैं दी ऑर्डिनरी के ग्लाइकोलिक एसिड, नियासिनामाइड हो गया है अब, और अल्फा ऑर्बिटिन एल्स्कॉर्बिक एसिड है दी ऑर्डिनरी का, उसके अलावा बायोफेड है मेरी क्रीम, ये चीज़ें मेरी ऐसी हैं मैं इन पर स्टक हूँ, दुनिया भर की चीज़ें यूज़ कर लूँ लेकिन इन पर आकर मैं अटक जाती हूँ। एक्वा स्किन एक्वा का मॉइस्चराइज़र और स्किन एक्वा का सनस्क्रीन, ये मेरे बेस्ट थे, लेकिन अभी सनस्क्रीन की लिस्ट में मेरा ये भी ऐड हो गया है कि मुझे बहुत पसंद आया ये। तो जिन जिनको था कि मैं रिव्यू कर दूँ, तो ये रिव्यू आपने देख लिया, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा, अगर पसंद आया हो रिव्यू तो पता ही क्या करना, इस वीडियो को लाइक करना, कमेंट करके बताना कि वीडियो आपको कैसी लगी, और मेरे चैनल को अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, सबका बेल आइकन है टिंग 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 उसको प्रेस करना है, फिर मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।